हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हफ्ते का प्रत्येक दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित है। सोमवार का दिन जैसे शिव जी की पूजा के लिए होता है, वैसे ही मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से बजरंग बली की कृपा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा के लिए सर्वथा उचित माना जाता है। बुधवार का दिन भी बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। यह दिन भगवान को समर्पित है और गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने के कई लाभ हैं। तो आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की विधि और इससे मिलने वाले लाभ। इसके अलावा बुधवार को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं बुधवार के व्रत की पूजा विधि। बुधवार के व्रत को 7 बुधवार तक किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष करना ही उचित माना जाता है। बता दें कि किसी भी व्रत की शुरुआत पितृ पक्ष में नहीं करनी चाहिए। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी को फूल धूप दीप कपूर चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी कि दूर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदन अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपताये नमः। तो आइए अब जान लेते हैं बुधवार को व्रत करने के नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। अब जान लेते हैं बुधवार को व्रत करने के लाभ। मान्यताओं के अनुसार बुधवार को व्रत करने वाले जातक के जीवन में सुख शांति और यश बना रहता है। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। बुधवार के गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। माना जाता है कि बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत करें। अब जान लेते हैं बुधवार के देवता और ग्रह। शास्त्रों में बुधवार के देवता गणेश जी माने गए हैं और ज्योतिष के अनुसार बुधवार बुध ग्रह से संबद्ध होता है। बुध को चंद्रमा पुत्र माना गया है। कहते हैं कमजोर दिमाग के लोगों को बुधवार का उपवास रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें बुद्धि प्राप्त होती है और दिमाग व याददाश्त तेज होती है। बुधवार की शाम को गणेश जी के मंदिर में जाकर माथा जरूर टेकना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आपके जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं। तो आइए आपको अब बता देते हैं कि बुधवार के दिन कौन सी 5 चीजें जरूर खानी चाहिए। बुधवार को खाने की चीजों में हरे रंग की वस्तुएं जरूर शामिल करनी चाहिए। हरे रंग पर बुध का प्रभाव होता है और बुधवार को हरी चीजें खाने से आपकी बुद्धि का शीघ्र विकास होता है। बुधवार को साबुत मूंग दाल हरा धनिया व पालक और सरसों का साग खाना चाहिए। इसके साथ ही खाने में हरी मिर्च का प्रयोग जरूर करें। फलों में बुधवार को अमरूद खाएं तो सबसे अच्छा होगा और इसके साथ ही पपीता खाना भी अच्छा माना जाता है। बुधवार के दिन खाने की हरी वस्तुओं का दान करने से भी आपके कष्ट दूर होते हैं और आपको बुध ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि बुधवार को वो कौन से कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। आप चाहें तो बुधवार को व्रत करके गणेश जी की पूजा आरंभ कर सकते हैं। बुधवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। बुधवार को गाय को हरा पालक खिलाएं और उसके पांव छूकर आशीर्वाद लें। बुधवार को गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाकर आएं।
मान्यता है कि बुधवार को बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली से बुध के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। यदि आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं तो बुधवार का व्रत करें और कथा का पाठन करें। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि बुधवार को भूल कर भी आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं जो बुधवार को करने से आपकी बुद्धि की हानि होती है। पान नहीं खाना चाहिए। बुधवार को दूध को जलाकर रबड़ी, खोया या फिर खीर नहीं बनानी चाहिए। इस दिन न ही नए जूते और कपड़े खरीदें और न ही नए पहने। इस दिन भूलकर भी घर की या फिर बाहर की किसी कन्या को डांट नहीं लगानी चाहिए, बल्कि आदर पूर्वक घर में बुलाकर भेंट और उपहार देना चाहिए। बुधवार के दिन भूलकर भी किन्नरों का मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि यथासंभव उनकी मदद करनी चाहिए। कहते हैं बुधवार को लड़कियों को मायके से विदा नहीं करना चाहिए और पुरुषों को ससुराल नहीं जाना चाहिए। इस दिन बहन, बुआ और बेटी को घर पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इस दिन टूथपेस्ट, ब्रश या फिर बालों से संबंधित किसी वस्तु की खरीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप पुत्री की माता हैं, तो बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़की के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। श्री गणेशा।